अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जी, आज की जो वीडियो है वो है मेरे मेकअप की वीडियो। और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक मेकअप की वीडियो बना दें, तो मैंने सोचा बना ही दें। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं एक बस जाएँ और जल्दी जल्दी देख कर वापस आ जाएँ। बाय बाय बाय। ओके, तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे वो होंगे लेंसेज, और ये है मेरे पास काशीज के लेंसेज ग्रे शेड में। ओके, तो हम लेंस लगा चुके हैं, बट मेरी आईज बहुत ज़्यादा वॉटरी हो रही है, वो इसलिए क्योंकि लाइट पड़ रही है, अदरवाइज ये बहुत ईजिली लग जाते हैं। तो अब जब तक ये आई सेट होंगी, मैं जब तक अपने फेस को प्राइम कर लेती हूँ, तो मैं सबसे पहले जो लगाऊंगी वो हाइड्रेटिंग सिरम होगा ब्यूटीफाई बाय आमना का। अभी जो है सर्दियों का मौसम है, तो अगर ड्राई हो रही है तो आप मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं, बल्कि लगाना चाहिए किसी की ड्राई स्किन होती है, बट मेरी थोड़ी ऑयली टाइप की है, तो इसलिए मॉइस्चराइज़र अभी नहीं लगाऊंगी। ओके, इसके बाद मैं मिस रोज़ का प्राइमर यूज़ करूँगी। ओके, तो ये फिट मी का शेड 120 में ले रही हूँ। आई यूज इट एज अ करेक्टर, क्योंकि ना थोड़ा सा ये डार्क शेड है मेरे टोन से, तो जहाँ जहाँ मुझे अपने जो जो आपको चीज़ हाइड करनी है, जैसे यू कैन सी आई हैव अ लॉट ऑफ डार्क सर्कल्स, तो मैं इस पर लगा लूँगी थोड़ा सा। और जो है बाकी इफ यू हैव एनी डिस्कलरेशन तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बस एक लाइट सा अमाउंट लेना है, ताकि ज़्यादा केक ही नहीं लगे, क्योंकि हम एक बहुत सिंपल से लुक क्रिएट कर रहे हैं। ये वो मेकअप है जो मुझे जल्दी होती है, और मुझे बस कोई भी लुक क्रिएट करना होता है जल्दी जल्दी में, तो मैं ये कर लेती हूँ, और ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है ऑब्वियसली हर किसी के पास। ओके, उसके बाद हम गोना अप्लाई काशी का फाउंडेशन, और मेरे पास जो शेड है इट्स शेड 07, और इसके बस टू ड्रॉप्स में मैं डायरेक्ट ब्लैक ड्रिपिंग निकाल लेती हूँ, जब कि ऐसा नहीं करना चाहिए, याद आते हैं। तो तो फाउंडेशन लग चुका है, इसके बाद मेरे पास ये काशी का ही पाउडर है, प्रेस पाउडर है शेड, हाउ कैन आई फाउंड द शेड, इसमें शेड नहीं लिखा हुआ, ये पता नहीं। ओके, तो आई डोंट नो द शेड, बट ये पिंक सर टोन है, उनकी सारी टोन्स पिंक ही हैं प्रेस पाउडर की, तो आई गेस इनका एक ही प्रेस पाउडर हो गई है जो सूते सब पे चलता हो। ओके, तो मैं इसको बिल्कुल हल्का से लगाऊंगी, क्योंकि बहुत पिंक सा टोन आ जाता है आपके फेस पे, बट ये बहुत नेचुरल लगता है, और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है आशीष का मेकअप। थोड़ी सी अपनी आईब्रोज पे जाएंगे, तो आईब्रोज ड्रॉ कर लेते हैं। मैं आईब्रो जस्ट पेंसिल यूज़ करती हूँ, अब मुझे एक मिरर की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए। तो ओके, तो करीब से थोड़ा सा कि थोड़ा सा ब्लेंड करने की ज़रूरत है, मैंने देखा नहीं क्योंकि लाइट कैमरे में इतना क्लियर नहीं दिखता, तो इसलिए इसको इससे से ब्लेंड कर। आगे वैसे बहुत बोरिंग लगता हूँ कैमरा, पता कैसे कैमरा
काम हो जाता है कैमरा का. तो आईब्रो डन हो चुकी है. अब नेक्स्ट स्टेप इज आईज. सो दिस इज द न्यूड पैलेट ऑफ हुदा ब्यूटी और इसमें से हम शेड लेंगे. ये है टीज इसका नाम है और ये मैं यूजुअली यूज़ करती हूँ दिस वन जब मुझे सिंपल मेकअप करना होता है ये. और इसके बराबर में है सीक्रेट. आई मिक्स टू ऑफ दिस शेड ठीक है और एक सिंपल सा शेड देना है हम अपनी आईज पे ताकि थोड़ा नेचुरल सा लुक लगे. दिस इज माय नो मेकअप लुक. सिंपल सा लुक है बहुत अच्छा लुक है और ये जल्दी भी हो जाएगा. एक छोटा सा स्मॉल ब्रश चाहिए मुझे लोअर लाइन सेम मैंने कलर लेने हैं सेम शेड लेने हैं. और मस्कारा लगाऊंगी और हमारी आईज डन हो जाएंगी. उसके बाद मेकअप रेवोल्यूशन का है और ये मैं लगा लेती हूँ मेवलिन का. इन दोनों को मिक्स करके मैं लगा लेती हूँ. मुझे एक मस्कारा लगता है एक मुझे वाटर प्रूफ चाहिए और एक बिल्कुल जो वाटरी सा मस्कारा होता है वो चाहिए. तो वो मैं दोनों को मिक्स करके अच्छा से लगाती हूँ. मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है. लैशेज सबसे पहले कल कर लूँगी देन पहले कि मेबलिन का लूँगी क्योंकि बहुत सिंपल सा मस्कारा है वाइट वाइट सा है ओ सॉरी वाटरी सा है. इसके लिए भी मुझे मिरर चाहिए मस्कारा लगाने के लिए भी सबको ही चाहिए होता होगा. और वो मुझे बहुत करीब से मुझे इतनी दूर से मज़ा नहीं आता और मेकअप करने में तो मुझे ये ज़रूरी है. बहुत सारा अपने टाइम ले चुकी हूँ जस्ट फॉर मस्कारा और नीचे भी हम लगाएंगे बट नीचे जो है मैं ये वाला लगाऊंगी क्योंकि बहुत डार्क हो जाता है. ओके जस्ट सिंपल सा मस्कारा लगाना है अपने बट डन है. ओके अब हम कॉन्टोरिंग और बाकी ब्लश वगैरह लगा लेते हैं. तो कॉन्टोरिंग के लिए I use the palette of Miss Rose 3D contour palette. This is the Tash. For the contour denge, I mix these two shades. Okay. मतलब और भी लगना चाहती है मुझे अपनी आईब्रोज थोड़ी डल लग रही है तो मैं थोड़ा सा डार्क करूंगी इस पैलेट से. भी हुदा ब्यूटी पैलेट है और इसमें थोड़ा सा ब्लैक लगाऊंगी क्योंकि हमारे पास जो पेंसिल है वो ब्राउन थी.
थोड़ी सी डर लग रही है, सो दैट्स व्हाई। तो बेसिकली मैं मेकअप करते हुए इतनी ज़्यादा बात नहीं कर सकती, मेरा सारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बट करना पड़ रहा है जस्ट फॉर द वीडियो। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो हमें करनी है वो है ब्लश ऑन और हाइलाइटर। तो एक चीज़ मैंने सीखी है कुछ टाइम मेकअप करने के बाद कि अगर आप हाइलाइटर पहले लगाओ ब्लश ऑन से तो ज़्यादा अच्छा लुक क्रिएट होता है, मुझे जहाँ तक लगता है, जब भी मैंने ऐसा किया है तो बहुत अच्छा। और हमारे पास एक गाइडलाइन भी अच्छी बन जाती है कि हमें ब्लश कहाँ लगाना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ब्लश ज़्यादा हो जाता है हम लोग जब भी लगाते हैं, मुझसे तो ज़्यादा हो जाता है क्योंकि मुझे ब्लश पर्सनली बहुत पसंद है, तो ब्लश ज़्यादा ही लगाती हूँ। मैं कौन सा ब्रश ले रही हूँ? अच्छा, फिजूल में ब्रश नहीं यूज़ करना, हाइलाइटर के लिए आपने अपनी फिंगर से यूज़ करना, तो आपने अपने फिंगर से ही लगाना है, ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मेरे पास फा ब्यूटी का पैलेट है, ये मैं खुद फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, इसमें से आई एम गोना टेक शेड गैलेक्सी, ठीक है। एसेंस का मैं ब्लश यूज़ करूँगी, तो मेरे पास दो शेड्स होते ना, तो आई मिक्स टू टुगेदर। सो डिड यू सी द डिफरेंस? अगर मैं हाइलाइटर पहले ना लगाती तो ये इतना अच्छा मुझे लाइन क्रिएट नहीं मिलती और मेरे लिए ईजी नहीं होता, तो अभी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एक और चीज़ हम करेंगे, क्योंकि हमारे आई थोड़ी सी बोरिंग लग रही है, ये मेरे पास जीरो मेकअप पैलेट का जो है काजल है, काजल टू इन वन है, दिस इज काजल और लाइनर दोनों है, तो मैं इसकी काज लगाऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि मेरी आईज है ना बहुत छोटी सी लग रही है, तो इसको थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए, जगाने के लिए हमने काज लगाया। ओके, अब जो लास्ट चीज़ है वो है लिपस्टिक। तो ये है मेरे पास मिस रोज़ की लिपस्टिक है, यहाँ लिप लाइन करेंगे हम पहले। लिपस्टिक जो मैं लगाऊंगी वो है मेबलिन रोजवुड सॉफ्ट रोजवुड शेड है, ठीक है, रोजवुड वही बहुत ही प्यारा सा शेड है, मैं बहुत यूज़ करती हूँ। कंप्लीट, हम अपने बाल बना के आते हैं। सो दिस इज माई फाइनल लुक और होप यू गाइस एंजॉय इट। आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शंस में, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए ये भी ज़रूर बताएं, ताकि हम लोग वही कंटेंट लाएं जो आप लोग को पसंद है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जो है लास्ट चीज़ जो मैं कहूँगी वो ये कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल, अभी तक तो कर लिया होगा, तो जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनको भी मैं यही कहूँगी कि जस्ट सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन जो होता है उसको ऑन कर दें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए तो आप लोगों को पता चल जाए कि ये अब आ चुकी है। एंड बस मैं इतना ही बोलूँगी, एंड थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हाफिज़।